आपको जनरल बिपिन रावत के कुछ बयान दिखाते हैं जिसमें वो चीन को चेतावनी देते हैं तो पाकिस्तान को समझाइश और कभी तालिबान को अपने तेवर। सशस्त्र सेनाओं में आज तक हमारी जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो थल सीमा हो, समुद्री सीमा हो या आकाश की सीमा हो, उनको सही तरीके से दुश्मन के किसी भी कार्रवाई को विफल करने में लगातार कार्रवाई की है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले सालों में हम जिस तरह से अपनी सैनिक की कार्रवाई की प्रक्रिया में जॉइंटनेस के जरिए इंटीग्रेट करते हुए बदलाव लाने जा रहे हैं, इससे हमारी शक्ति और बढ़ेगी। और देशवासियों को हम ये यकीन के साथ कहना चाहेंगे कि जितने भी सशस्त्र बल हैं वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ अन्य संस्थाएं काम करती हैं, डीआरडीओ है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, हमारे डीपीएसएस हैं, ऑर्डनेंस एक्टिव हैं, हम सब एक साथ एकजुट होकर कार्रवाई कर रहे हैं। From the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने के प्रयास करती रहती है। हम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। देश के अंदर आतंकवादी और उनके हैंडलर्स नई रणनीति अपनाकर कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों को टारगेट बनाना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सैन्य कर्मियों जिनमें शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या शामिल है, ये सब हमारी राष्ट्रीय एकता पर प्रहार करके समाज में दरार पैदा करने के प्रयास हैं। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करते हुए आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इन ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी विशेष प्रशंसा करता हूं। जनरल बिपिन रावत बेहद ही विजनरी थे। अब उनका आखिरी बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने बिम्स्टेक में दिया था। उन्होंने जैविक हथियारों को लेकर बड़ी चिंता जताई थी और ये दावा किया था कि आने वाले वक्त में दुनिया के कई देश जो जैविक हथियारों का प्रयोग भी शुरू कर देंगे। इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर सीइंग मेजर चेंजेस हैपनिंग, डिजास्टर्स आर टेकिंग प्लेस, सम नेचुरल सम डायनेमिक। We've had tsunamis, we've had earthquakes, we've had unprecedented rainfall causing floods in areas where we hardly had any rain. And this is not just in our country, it is happening in every nation. And to top it all, now we have virus-generated pandemics for which we have to be prepared for in the future. When you have such pandemics, these pandemics do not remain confined to one nation's boundaries. They travel across from one nation to the other. And therefore to state that individual nations on their own are responsible for taking care of the people is not the best way forward. I think it has to be a joint response and we have to develop joint response mechanisms. And I think Panax 21 is one good method
of getting together to see how we can prepare for the future. Look at the present and prepare for the future. First, of course, we have to look at COVID itself. We find that there are variants now coming in. The Omicron is there. Whether it is going to again mutate into something else, we need to be prepared for. And I think the medical fraternity in particular, we have to get the act together to find ways and means of overcoming such pandemic. The other issue that I... जनरल बिपिन रावत का निधन दुखद है। देश ने CDS खोया है, एक जांबाज को खोया है, एक बहादुर और शेर दिल इंसान को खोया है, मगर मध्य प्रदेश ने अपने दामाद को खोया है। जी हाँ, दामाद जनरल बिपिन रावत मध्य प्रदेश के दामाद थे। उनकी ससुराल शहडोल के सुहागपुर में थी। उनकी पत्नी मधुलिका सिंह रिया सरदार कुंवर मृगेंद्र सिंह की मझली बेटी थी। यूं तो जनरल बिपिन रावत को देश दुनिया उनके काम और नाम से पहचानती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जनरल बिपिन रावत की पहचान प्रदेश के दामाद के तौर पर थी। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका शहडोल के सुहागपुर की रहने वाली हैं। वो यहाँ के रियासतदार कुंवर मृगेंद्र सिंह की मंझली बेटी थी। बड़ी बेटी कृतिका की शादी मुंबई में हुई, दूसरी बेटी मधुलिका की शादी बिपिन रावत से, और तीसरी बेटी तारिणी अभी पढ़ रही है। रीवा घराने से ताल्लुक रखने वाले मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका की शादी 1985 में हुई। उनके पिता सुहागपुर से दो बार विधायक रहे। परिवार के मुताबिक 2012 में मधुलिका आखिरी बार शहडोल आई थी। हादसे की खबर मिलने के बाद पूरा परिवार दिल्ली जा पहुंचा। अब घर में सिर्फ नौकर मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। हादसे के बाद अब ससुराल वालों को खबर मिली तो सब फिक्रमंद हो उठे। सबको उम्मीद थी कि जनरल बिपिन रावत समेत सैन्य अधिकारी सलामत हों और कम से कम क्षति हो। जनरल बिपिन रावत के ससुराल वालों से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्योंकि उस वक्त तक उम्मीद बाकी थी। भोपाल में है और हमारे साथ थोड़ी देर में वो हमसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम कर्नाटक के कुन्नूर का रहा, 14 लोग उस सेना के हेलीकॉप्टर में वहां पर सवार थे और 11 लोगों के शवों की जिस तरह से बात आ रही है, और CDS विपिन रावत का शहडोल से, मध्य प्रदेश के शहडोल से नाता रहा है, उनके रिश्तेदार, और हमारे साथ में यशवंत सिंह हमारे साथ में। सर, क्या कुछ अभी अपडेट आपको मिल रहा है दिल्ली से? सर, अभी हमको ऐसा कोई डेट अपडेट नहीं मिला है, बस हमको सिर्फ ये हुआ कि आप आ जाइए और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अभी हमको कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाई है, हमको नहीं दिया उन्होंने। सर, CDS विपिन रावत जी की बात करें या फिर मधुलिका जी की बात करें, क्या कुछ उसको लेकर आपके पास अपडेट है? देखिए, तो देश के लिए थे, उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, और मतलब आर्मी आप मान के लिए कि उनके अंदर आर्मी थी, और इतने डिसिप्लिन व्यक्ति सब कुछ था, ऐसे तो हमने कभी किसी को देखा नहीं है, तो बड़ा गर्व होता है कि CDS विपिन रावत जी का जिस तरह से आपके परिवार से नाता रहा है, रिश्ता रहा है, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर बताइए। शहडोल से जिस तरह से बात कही जा रही है कि परिवार वहां पर था, कैसे क्या रिश्तेदारी उनकी यहां पर, कब कब उनका आना वहां पर हुआ? 2012 में आए थे, लास्ट आए थे 2012 में, और ये शादी जो है जनरल बिपिन रावत साहब के पिताजी ने उल्टा हम लोगों को प्रपोज किया था, तो ये शादी हो पाई थी, हमारी बहन की हुई थी। हम लोगों को का कोई कॉन्टैक्ट था नहीं उनसे पहले, ये बाद में उन्हीं के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया है। अगर आपके पिताजी की हम बात करें तो क्या कुछ उनको लेकर? हमारे पिताजी तो अभी नहीं रह गए, और 91 में देहांत हो गया, और ये 86 में शादी हुई थी, तब तो थे हमारे पास। सर, राजघराने का परिवार रहा है यार? जी, हम लोग बांधवगढ़ से निकले थे जी। और बांधवगढ़ से हम लोग इलाकेदार हैं, हमारे बाबा अंतिम इलाकेदार थे सुहागपुर के। सर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिस तरह से आपका परिवार रहा है, चाहे वो कांग्रेस से करे चाहे BJP के, वहाँ भी आपका बैकग्राउंड? 1952 में हमारे बाबा विधायक थे, और उसके बाद हमारे पिताजी 1967 एंड 71 में दो बार विधायक वो भी रह चुके हैं। हमारे काका साहब भी विधायक थे,
वो गिर चुके हैं। सर अब परिवार किस तरह से, क्या दिल्ली आप या परिवार के अन्य सदस्य क्या दिल्ली पहुंच रहे, क्या कुछ सर? हम तो जा रहे हैं तुरंत, अभी निकल रहे हैं दिल्ली, हम और हमारी वाइफ निकल रहे हैं, फ्लाइट लेकर के दिल्ली जा रहे हैं और फिर सुबह वहां पहुंच जाएंगे, जो भी है कार्यक्रम वहां अटेंड करेंगे सुबह का। अभी आपके पास क्या सूचना है दोनों को लेकर, मधुरका जी को और रावत जी को लेकर? नहीं, हमको अभी सर ऑथेंटिक सूचना कुछ नहीं दी गई है, सिर्फ हमसे कहा गया है कि आप फ्लाइट पकड़िए, जल्दी आइए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ये बात हम कर रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत जी का जो रिश्ता, जो नाता वो एमपी से रहा है, उनकी ससुराल यहाँ पर है, तमाम परिवार रिश्तेदार नातेदार उनके यहाँ पर हैं, और जिस तरह से हम हर्षवर्धन सिंह जी से बात कर रहे थे उनको लेकर, उन्होंने फौरी तौर पर यही कहा है कि सीधे अभी कोई ज्यादा उनको दोनों के लिए, चाहे मधुकर जी की बात की जाए या सीडीएस विपिन रावत की बात की जाए, उनको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह का जो हादसा है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर जो अपडेट दे रहे हैं, और पूरा जो परिवार है यानी कि जो रिश्तेदार है सीडीएस विपिन रावत के, वो ससुराल पक्ष खासतौर टोल में है, और 2011-12 में सीडीएस विपिन रावत का यहाँ पर आना हुआ था। तो ऐसे थे जांबाज जनरल विपिन रावत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।